कोई भी प्रॉमिस करने से पहले इनसे पूछ लो आखिर ये चाहती क्या है। तुम घबराओ मत पुलकित भी, बाबू की तरह बहूजी भी अपने प्यार की कीमत मांग रही है हमसे। तेरे एक इशारे पे मैं अपनी जान दे सकता हूँ गंगा। हम जो मांग रहे हैं वो जान से भी ज्यादा कीमती है। हम चाहते हैं कि तुम जानवी को वो सारे अधिकार दे दो इसकी हकदार एक पत्नी होती है। ये चाहती है तू? नहीं, झूठ बोल रही है तू। तू ऐसा नहीं चाहती है, तभी तो नजर चुरा कर कह रही है। लो सागर, अब तो नजरें मिला के कह रहे हैं ना, तुमने जानवी से शादी की, उसकी तरफ कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारी। और प्लीज सागर, अपने रिश्ते के लिए हमें गुनहगार मत बनाओ। कुछ भी ऐसा मत करो कि ये दुनिया वाले हमें कोसे, हमें ताने दें कि गंगा तेरी वजह से सागर का घर नहीं बसा। प्लीज सागर, जानवी को दिल से अपनी पत्नी मान लो, उसे सारे अधिकार दे दो हमारे खाते। तेरे खाते तो सागर कुछ भी कर सकता है ना, अपने आप को तबाह करने के लिए वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, इसीलिए वास्ता दे रही है ना तू। देखूंगा तू डर मत, तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगने दूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे खुद को बर्बाद करना पड़े कर दूंगा। ठीक है, तू चाहती है ना मैं जानवी को अपनी पत्नी मान लूं, ठीक है मान लिया, जानवी पत्नी है मेरी, खुश, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुझे, सब बराबर हो गया। थैंक यू सागर। थैंक यू गंगा, आज तूने मुझे अंदर ही अंदर मार डाला, खत्म कर दिया मुझे। थैंक यू। बहूजी, तुमने जो कहा बहूजी हमने वो कर दिया। बचपन से तुमने हमें पाला पोसा, इतना प्यार दिया कि हम समझने लगे थे कि तुम बिल्कुल हमारी मैया जैसी। तुम्हारा वो एहसान भी उतार दिया हमने,
हम चाहते हैं कि तुम जानवी को वो सारे अधिकार दे दो जिसकी हकदार एक पत्नी होती है। तुम्हारे पास एक सिक्का ज्यादा है, चाहो तो गिन लो। उसी सिक्के का हिसाब लेने आया। हिसाब की बहुत पक्की निकली तू गंगा। भगवान, पता नहीं क्या हो गया इसे। अब ये लड़का साकेत, आ गया मैं तुम्हारे पास जानवी। आर यू हैप्पी नाउ? हाँ, आर यू हैप्पी नाउ? साकेत क्या बात है, चुप्पी बैठो ना। हाँ, क्या तुम? मेरे पीछे पड़ी हुई है वो, मुझे फंसाना चाहती है वो, पैसों के लिए, हाँ, अय्याशी के लिए, राइट? यही कहा था ना तुमने उसके बारे में, इसलिए आज उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी है। खुद को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया उसने, सारे रास्ते बंद कर दिए उसने। बैठो, वादा लिया उसने मुझसे, जानती हो कैसा वादा? तुम्हें अपनी पत्नी मान लेने का वादा, दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मानकर सारे अधिकार देने का वादा। देखो, देखो अपने आप को आईने में, देखो, देखो ना, देखो, देखो, लुक एट योरसेल्फ, देखो। मिसेज जानवी सागर चतुर्वेदी, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें वो नाम मिला जिसे पापा ने गंगा को देने से साफ मना कर दिया था। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, सच, कि तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है, ये सिंदूर, ये सिंदूर जो जिसे बचपन से गंगा अपने मांग में सजा कर रखती आई, लेकिन कभी उसे अपना नहीं बना सकी वो, कभी कभी दावा नहीं कर सकी उस पर। लेकिन तुम बहुत लकी हो जानवी, तुम बहुत लकी हो ना। चल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं, कितनी लकी हो तुम, तुम्हें सारे अधिकार देता हूं मैं। हाउ लकी आर यू जानवी, है ना, कितनी लकी हो तुम, राइट? राइट? तुम ऐसा क्यों, क्या हुआ? कम ऑन जानवी, यही तो चाहती थी तुम, दिन रात मुझसे यही पूछती रहती थी ना तुम कि सागर मैं तुम्हारी कौन हूं, क्या लगती हूं मैं तुम्हारी, क्या हैसियत है मेरी, यही पूछती थी ना तुम मुझसे। तुम मुझे पाने के लिए इतनी डेस्परेट होगी कि मेरे बारे में तुमने सोचा ही नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि शायद सागर का दिल किसी और के लिए धड़कता है। हाँ ठीक है, गलती थी मेरी, बहुत बड़ी गलती थी मेरी, गुस्से में दर्द में अंधा हो गया था मैं, लेकिन तुम तो होश में थी, सब कुछ जानते हुए समझते हुए फिर भी तुम शादी के लिए राजी हो गई। पर अब क्या हम दोनों के बीच क्या है? तुम मुझे हासिल नहीं कर पाई तो सारा ब्लेम गंगा पर डाल दिया, और महान गंगा देवी, हाँ महान गंगा देवी, उसने आज और एक महान काम कर दिया। पहले उसने मुझे दान दिया था अपने बाबू को, और आज तुम्हारी झोली में से दान कर दिया। वाह जानवी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ रो क्यों रही हो तुम, रोने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
तुमने गंगा को हरा दिया। हाँ जानवी, तुम जीत गई, गंगा हार गई। लेकिन कमाल की बात क्या है पता है? गंगा हार कर भी नहीं हारी, सिर्फ एक आदमी हारा है। सिर्फ मैं आ रहा हूं जानवी, सिर्फ मैं। ठीक है जानवी, आज से मैं तुम्हारा पति, तुम मेरी पत्नी। मैं तुम्हें सारे अधिकार देता हूँ, मेरे वक्त पर, मेरे काम पर, मेरे सैलरी पर, मेरे इस रूम पर, इस बेड पर, सब कुछ पर, इन दीवारों पर, सब पर तुम्हारा हक है। ओके, ये मंगलसूत्र पर, इस सिंदूर पर, सब पर। और कुछ है क्या? हाँ जानवी, अब इस शरीर पर भी तुम्हारा हक है। साले! क्या हुआ? यही तो चाहती थी तुम, मेरे करीब आना चाहती थी तुम। हाँ, करीब आओ, आओ ना जानवी। लेकिन करीब आकर पता चला ये एक जीता जागता इंसान नहीं है, ये तो एक डेड बॉडी है। क्योंकि जानवी, मेरे अंदर जो ये दिल धड़क रहा है ना, ये सिर्फ नाम के लिए है। देखा तुमने? टूटे हुए दिल को कोई नहीं संभाल सकता जानवी, तुम मुझे हासिल कर लोगी, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब भी हमारे रिश्ते को देखोगी ना, तो ऐसे ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ दिखाई देगा, जैसे इन कांच के टुकड़ों में तुम्हारा चेहरा। हमारे रिश्ते की यही सच्चाई है। सिसक के हवाएं जग सुना लगे, चन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। क्या करें?
हेलो भाभी। तो यश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्यों आई हो यहाँ? क्या करूं भाभी, तुम तो मुझे भूल गई। यश प्लीज तुम जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। डोंट वरी भाभी, तुम तो यहाँ अकेली रहती हो ना, और सागर भी तुम्हारे साथ नहीं रहता। ये किसने कहा तुमसे? भाभी मैं वो रंगबाज हूँ जो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता है। अब देखो तुम्हारी मैरिड लाइफ ना एकदम रेगिस्तान हो गई है, वरना सोचो इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर सागर बालकनी में क्या कर रहा है। सच कहूं ना तरस आता है मुझे तुम पर। नई नई शादी और अपना अकेलापन दूर करने के लिए नींद की गोलियां, कहो तो मैं दूर कर दूं तुम्हारे सारे दुख। और ये जानलेवा ना गुस्सा, मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था। अब अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो वापस चला जाता हूं, लेकिन इन नींद की गोलियों की जगह ना मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त दवा है। ये क्या है? जन्नत, स्वर्ग भाभी स्वर्ग। मतलब? बस इस एक गोली को ना सोने से पहले ले लेना, और उसके बाद प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपने, और फिर सुबह जब उठोगी तो एकदम फ्रेश। लेकिन ये है क्या? अरे भाभी अपने इस दोस्त पे थोड़ा सा तो विश्वास करो। अब देखो मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, कभी तुम्हें धोखा दिया? नहीं दिया ना। अब इस पूरे घर में सबसे ज्यादा मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ओके चला जाता हूँ, लेकिन इस गोलियों को ना पानी के साथ प्यार से ले लेना, फिर देखना मजा। दुआओं में याद करोगी? बस मेरी दी हुई दवा खाने की देर है। उसके बाद तुम अलग की दुनिया में पहुंच जाओगी। गुड नाइट भाभी। स्लीपिंग ब्यूटी, आज सोते रहने का इरादा है क्या? सॉरी आज आंखें नहीं खुली हमारी। अच्छा तो फिर ठीक है, थोड़ी और देर के लिए अपनी आंखें बंद रखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या हुआ भाभी, क्या सरप्राइज है? अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। सस्ते कर्ज का नया दौर, ये क्या है पुलकित भैया, क्या सरप्राइज है इसमें? अरे पुत्थू नीचे देखो, नीचे यूनिवर्सिटी के एलएलबी के नतीजा, हमारा रिजल्ट आ गया है। इसमें तुम्हारा रोल नंबर ही नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या हम पास नहीं हुए? ओह हो सकता। सॉरी गंगा। नहीं 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 भाभी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे पुलकित भैया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। पता नहीं गंगा।
कैसा सरप्राइज है? तुम हंस क्यों रही हो भाभी? प्लीज हमारी जान निकली जा रही है, हमें बताओ ना क्या हुआ है। क्या सुप्रिया, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है तुम्हें, हाँ तो बड़ा सरप्राइज खराब कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। बताओ ना पुलकित भैया। पेपर दो। मेरा रोल नंबर ही इसमें नहीं दिख रहा है। गंगा तुम फेल कैसे हो सकती हो, तुम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई हो, टॉप किया है तुमने।